जिराफ 2 दिन से टायर और झाड़ियों के बीच में फंसा था। मदद के आने की आस पे रुका था। बेहोशी की हालत में उसे इंजेक्शन दिया गया। खामोशी से उसके जख्म को सींचा गया। दर्द से कतराता हुआ जिराफ अब भी जिंदा था। जंगल ही थी वजह, लेकिन जंगल ही घरौंदा था। अपनों से कैसे कोई खफा हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि अपना बेवफा हो सकता है। एक और वीडियो मेरी नजर में आया जहां इस जिराफ का पैर तारों के बीच में समाया। वो तो अच्छा हुआ इस भले आदमी ने उसे बचा लिया था, वरना कड़कती धूप ने तो उसे जिंदा जला दिया था। कुछ लोग वाकई में हकीम का काम करते हैं, बेजुबानों पे जान वार कर इंसानियत पे एहसान करते हैं। हमारे घर पर गाय कभी कभार आती तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो चली जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वो ठहर जाए। इन भाई साहब ने एक गाय के लिए अपने दुकान का दरवाजा खुला रखा है। वो जब चाहे आ सकती है, वहाँ बैठ सकती है, क्योंकि वो गौ माता है और वो माता ही इस पर्यावरण की, इस देश की और इस देश के बच्चों की, यानी हम सभी की सेवा कर रही है। वो सेवा इस प्रकार कर रही है कि जैसे वो अपना गोबर दे रही है, अपना गौमूत्र दे रही है, अपना पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रही है, और दूध तो मैं सबसे लास्ट पोजीशन पे लेता हूँ। कुत्ता कूदने को तैयार है, इतना फ्रस्ट्रेट हुआ हुआ। थोड़ा हाइट में बड़ा हो जाएगा तो माइट जंप आल्सो। रियली सैड टू सी दिस। इस पालतू जानवर की जगह खुद को रख के सोचिए। चलो हम तो फिर भी रह लेंगे 1 या 2 दिन, लेकिन बिना खाने और पीने के रह पाना क्या आसान होगा, वो भी गले में चैन से बंद कर। मुझे पता है आपको बेजुबानों को देखकर दया तो आती है, लेकिन आप इनका दर्द तब महसूस कर सकोगे जब इनकी जगह खुद को रख के सोचोगे।